Hariom smiles. Good morning to all. Happy Monday morning. And actually, Shashi ne sahi kaha, good morning nahi, it's a God morning. Urte hi kripa ka anubhav, aaj ek din aur mil gaya, it's a God morning. Aur agar God ke saath morning kar le, to wo जो हर पल हर क्षण हमारा ख्याल रखता है, हमें भी उसका ख्याल हर पल हर क्षण रहेगा। जैसे ही मैंने अपनी ज़रूरतें समेटी हैं, वैसे ही खुशियां मेरे घर लौटी हैं। जैसे ही मैंने खुशियाँ बांटी हैं, खुशियाँ बांटने का अभ्यास किया, सबका ध्यान रखने का अभ्यास किया, ज़रूरतें खुद ब खुद सिमटती चली गईं, क्योंकि आनंद पाने से ज़्यादा आनंद देने में आनंद आने लगा। क्योंकि जब हम सोचते हैं हम कुछ छोड़ रहे हैं तो उसकी भी एक ईगो होती है, लेकिन जब हम खुशियाँ बांटने का कर्म करते हैं, जब हमारा आनंद खुशियाँ लेने में नहीं बांटने की तरफ हो जाता है, तो हमारी ज़रूरतें भी खुद ब खुद सिमट जाती हैं। सारा का सारा शोर, सारा की सारी कन्फ्यूशन, सारा का सारा दुख इस पाने में ही है। जहाँ पाने की चाह करी, वहाँ जीने का आनंद कम हो गया। लेकिन गुरु ने तो आकर हर बात का, हर शब्द का, हर पल का इतना आनंदमय मतलब बताया और आसान कर दिया इस जीवन को, बहुत बहुत आसान। जैसे ही मैंने अपना क्रोध कम किया है, वैसे ही शांति का घर में आगमन हुआ है। क्रोध भी तभी कम होता है जब ज़रूरतें सिमटती हैं। कोई मेरी बात माने, इस चाह ने ही तो क्रोध दिलाया, मेरी ज़िंदगी में ये सब हो जाए, उस चाह ने तो क्रोध दिलाया। हर चीज़ जो मैं पाने की कोशिश करता हूँ या मेरा मन बोलता है चाहिए, वो ना मिलने पर क्रोध का आगमन होता है। लेकिन गुरु ने तो आकर मूल मंत्र दिया, तू मैना है, मैना की तरह उड़, ना तुझे कुछ चाहिए ना तुझे कोई शिकायत है। मैना बना दिया, पंख लगा दिए, हर पल उड़ते रहो उड़ते रहो, सबको दूर से देखते रहो, दूसरे के विकार अपने आप डिफ्यूज हो जाएंगे। जैसे ही मैंने निस्वार्थ कर्म किया है, वैसे ही मुझे संतोष धन मिला है।
निस्वार्थ कर्म, बिना स्वार्थ निष्काम, बिना फल की इच्छा करे। थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि अभ्यास ऐसा ही था, तुम ये करोगे तो ये मिलेगा। अच्छे कर्म भी अगला जन्म अच्छा हो उसके लिए करते थे, दान पुण्य, गरीबों को खाना खिलाना, कुछ भी। गुरु ने बताया भाव को शुद्ध कर, तू कब से देने वाला बन गया, तुझे ही नहीं पता तुझे कौन दे रहा है, तेरे द्वारा ये काम हो रहा है, इसका शुक्राना कर। शुक्राना की सीट पर मुफ्त में पंख मिल जाते हैं। जीवन में जादू ही जादू, मैजिक, सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड। गुरु ने हमें सिखाया है निष्काम भाव, निस्वार्थ। निस्वार्थ में बहुत शक्ति है और निस्वार्थ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम सबको जो कृपा मिली, जो छोटा सा स्माइल ग्रुप शुरू हुआ, पता ही नहीं था गुरु इतने सारे जनों के जीवन में आनंद बिखेरने आ रहे हैं। देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्योंकि स्माइल ग्रुप में जो भी सेवा देता है निष्काम भाव से देता है, निस्वार्थ भाव से, इसीलिए इसकी सुगंध हर घर में, हर जगह, देश विदेश सब जगह फैलती जा रही है। जैसे ही मैंने किसी की मदद को हाथ बढ़ाया, वैसे ही अपने गमों को कोसों दूर भगाया, कोसों दूर भगाया। किसी के जीवन में कोई भी गम है, छोटा बड़ा, दूसरे की मदद करो, गम का नामो निशान ना रहेगा। गम को शक्ति देते हैं हमारे भाव, हमारी कमजोरी, हमारा मैं को चाहना, उस आए को ईगो को चाहना। यदि असली मैं को चाहा होता, आई एम जो शरीर को चलाने वाला है, तब जीवन सत चित आनंद स्वरूप ही होता। पर शुक्र परमात्मा का, शुक्र गुरु का जो जीवन में आए। धन्य धन्य हर पल रहूं, धन्य धन्य हर पल रहूं, धन्य बड़ा है भाग, ऐसे परम गुरुवर मिले, करे भव सागर से पार, धन्य भाग गुरुवर मिले, करुणा के भंडार, अंधे को आंखें मिली, सत्य धर्म का सार। गुरु ने सत्य से रूबरू कराया, न तुझे आने का समय पता है, न तुझे जाने का समय पता है। जब मैं इन दो चीज़ें तेरे हाथ में नहीं, तो
तो जो समय तेरे को बख्शिश में मिला है उसको निष्काम भाव से सेवा में लगा दे और देख शांति मौन आनंद ये तेरे कहने हर वक्त तेरे पास रहेंगे। सब लोग कोशिश करके स्माइल सेशन में ज़रूर पहुँचे। श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, सब दुष्कर्म का हम श्राद्ध कर रहे हैं। श्राद्ध करते 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 जब ये पात्र खाली हो जाएगा तब शक्ति का आगमन होगा, और क्योंकि ये पात्र साफ हो चुका होगा शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित होगी और हमें ब्लेस करेगी। सो स्माइल सेशन में आए किटी के यहाँ 33 सेक्टर में आज, और सारी कायनात की ब्लेसिंग्स अपनी झोली में समेट लें। कोशिश करें, लोगों को मोटिवेट करें। सब भव चक्कर में फंसे हुए हैं, वो चक्र जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, उससे हमें थोड़ा पुरुषार्थ कर कर ही निकलना पड़ेगा। तो जितने सोल्स को हेल्प करेंगे उतना ही आपका सोल, जिसे लिखा है ना मदद, यदि तेरा मन उदास है तो मदद कर। सबसे बड़ी मदद किसी को ज्ञान की राह दिखा दो। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। जब तक इस मन को आत्म ज्ञान की राह नहीं मिलती, ये मन जगह जगह तड़पाता है। कितना भी सिखाओ सुधरता नहीं। सो सब लोग आए और गुरु की डोर से बंध जाएं। हरिओम।